नानक जाने साचा सोई जे को आखे बोल विगार तां लिखी है श्री गा वारा गा वार सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले वादे ना देने एक असंख के ते वामन हारे किते राग परी सो कहिन किते गावन हारे गा वह तो नौ पौन पानी बासन पर गा वह राजा तरम द्वारे गा वह जित गुप्त लिख जाने लिख लिख तरम विचारे गा वह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदास वारे गा वह इंद दासन बैठे देवत्या दर नाले गा वह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पंडन रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा माशताया ले गावन रत्न उपाय तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोत महाबलसुरा गावे खाणी चारे गावे है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुरनो गावे जोत भाव रत तेरे भगत रसाले होर किते गावन सीमा चेतना नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी उसी जाय न जासी रचना जिन चाही रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिनी उपाय कर कर वेखा कीता अपना जीव चलो माता जी इधर आओ सियाने चुप तो कर माता जी तो अच्छा सिंह साहब ज्ञानी जोगिंद्र सिंह जी वेदांती साहब जेड़े बड़े विद्या मार चंद सन ते उन्होंने जो सभावां श्री दरबार साहब ते श्री अकाल तख्त साहब जी दे तहसीलदार हो के कीतियां और नाल नाल उन्होंने विद्या भी बढ़ाई कई ग्रंथी सिंह ज्ञानी सिंह भी उन्होंने तैयार किए इस करके उन्हां दा पंथ विच बहुत वड्डा योगदान सेवा दा रहा और उन्हां दे चेत चलाने ते जिथे उन्होंने परिवार को स्नेहियों उन्होंने जाने का घाटा पिया उसे पंथ में भी ऐसे गुरमुख गुरसिख का चले जाना घाटा है तो सतगुरु कृपा करना जोड़ा अज उन्होंने अंतम क्रिया का जोड़ा इतने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किया गया ये भी बहुत चंगा उन्होंने सोचा कि उन्होंने जोड़ा अदब सत्कार वास्ते गुरु घर के नेड़े लिया के उन्हों का अंतम पंचभूतक शरीर का संस्कार किया गया है
इस करके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी एक धन्यवाद ही है कि जिहड़ा उन्होंने इस गल नूं मद्देनज़र रखदिआं उन्होंने अदब सत्कार वास्ते किया। सतगुरु कृपा करन हुण जिवें प्रोग्राम गुलाब जी नूं संघ साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी ने तरसा दिता है, सतगुरु कृपा करन उन्हां दा जिहड़ा ये चलाना है उहदे विच अज जिन्नियां भी शख्सियतां इत्थे आईआं ने उन्हां दे गुणां नूं उन्हां दे कीतियां सेवावां नूं सारे याद कर रहे ने। गुरमुखताई वाले गुरमुख जीवन वालियां नूं हर कोई याद करदा है। सतगुरु कृपा करन उन्हां नूं आपदे चरणां विच निवास बख्शन, चढ़दी कला बख्शन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। ਸਾਬਕਾ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।